अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं और टेलीप्राइम में उन्हें कैसे करते हैं। कई बार अकाउंट्स में ऐसा होता है कि हम एक ही नेचर के बहुत से ट्रांजैक्शंस एक ही तारीख में अलग अलग वाउचर्स में रिकॉर्ड करते हैं। यदि आप चाहें तो उन्हें एक साथ एक ही वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये कंपाउंड एंट्रीज यानी मिश्रित प्रविष्टियां कहलाती हैं और ऐसा करने से हमारा समय बचता है। सरल शब्दों में कंपाउंड एंट्री का मतलब है कि दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शंस की एंट्री एक ही वाउचर में करना। इस काम को आगे हम अलग अलग वाउचर्स का उपयोग करते हुए समझेंगे। पहला उदाहरण देखते हैं। यहाँ हमें तीन अलग अलग कस्टमर्स से चेक प्राप्त हुए हैं जिनकी डिटेल्स हम नीचे दे रहे हैं और ये सभी चेक हम 2 अप्रैल 2021 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अपने खाते में जमा कर रहे हैं। पहला अशोक एंटरप्राइजेस से हमें HDFC बैंक का 5,000 रुपए का चेक डेटेड 2 अप्रैल 21 प्राप्त हुआ जिसका नंबर 123456 है। दूसरा आशु ट्रेडर्स से इलाहाबाद बैंक का 2,000 रुपए का चेक डेटेड 2 अप्रैल 21 प्राप्त हुआ जिसका नंबर 456789 है। तीसरा मोहन ट्रेडर्स से बैंक ऑफ इंडिया का 11,000 रुपए का चेक डेटेड 2 अप्रैल 21 प्राप्त हुआ जिसका नंबर 222333 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये तीनों एंट्रीज रिसीट वाउचर से संबंधित हैं। इन तीनों में हमें चेक देने वाली पार्टीज को क्रेडिट करना होगा और बैंक अकाउंट को डेबिट करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस वाली कंपनी जो कि हमने वीडियो नंबर 42 में बनाई थी उसी में ही हम काम कर रहे हैं। हाँ, पहले उस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2020-21 था जिसे हमने पिछली वीडियो फाइनेंशियल ईयर कैसे बदलते हैं मैं बदलकर 2021-22 कर दिया है। आप चाहें तो ये काम अपनी किसी पुरानी कंपनी या नई कंपनी बनाकर भी कर सकते हैं। टैली में वाउचर के लिए V प्रेस करें और रिसीट वाउचर के लिए F6 प्रेस करें। F2 प्रेस करके डेट चेंज करें। पर्टिकुलर में नीचे क्रेडिट आ रहा है, हम पहली पार्टी अशोक इंटरप्राइजेस सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ क्रेडिट में उससे जिस राशि का चेक प्राप्त हुआ है वो अमाउंट टाइप करें, एंटर प्रेस करें। देखिए यहाँ डेबिट आ रहा है। अब चूंकि हमें दूसरी पार्टी को भी क्रेडिट करना है तो यहाँ क्रेडिट के लिए C टाइप करें और एंटर प्रेस करें। ये देखिए CR लिखा हुआ आ रहा है। अब हम दूसरी पार्टी सिलेक्ट करेंगे, उसका अमाउंट डालेंगे। इसी तरह तीसरी पार्टी भी सिलेक्ट कर लेंगे, उसका अमाउंट भी टाइप कर लेंगे। हमने तीनों पार्टीज के अकाउंट क्रेडिट में ले लिए हैं। अब एंटर प्रेस करें। यहाँ डेबिट आ रहा है और हमें बैंक को डेबिट ही करना है। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। बैंक अकाउंट सिलेक्ट करें। देखिए बैंक के नाम के आगे डेबिट में तीनों पार्टीज का टोटल अमाउंट आ रहा है। एंटर प्रेस करें। बैंक एलोकेशन स्क्रीन आ रही है और नीचे लेजर नेम में पहली पार्टी का नाम भी आ रहा है। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। अमाउंट में टोटल अमाउंट आ रहा है, हमें इसे बदलकर उस पार्टी से प्राप्त होने वाले चेक का अमाउंट डालना होगा और फिर एंटर प्रेस करें। इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक का नंबर डालें, इंस्ट्रूमेंट डेट डालें, बैंक के आगे बैंक का नाम सेलेक्ट करें। देखिए ऐसा करते ही हम अगली लाइन में आ गए हैं, पर इसमें नाम पहले वाली पार्टी का ही आ रहा है। इसे बदलने के लिए बैकस्पेस की प्रेस करें। लिस्ट ऑफ लेजर्स में से दूसरी पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लें। अब चेक सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ें।
अब तीसरी पार्टी से प्राप्त चेक की डिटेल्स भी डालें। यहां नरेशन टाइप कर दें। अब इस ट्रांजैक्शन को सेव कर लें। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। हमने 1 मई को 2 पेमेंट्स किए हैं। पहला हमने श्री विकास सिंह को माह मई 2021 का ऑफिस का किराया 5,000 रुपए नगद दिया है और दूसरा अपने कर्मचारी पवन वर्मा को माह अप्रैल 2021 का वेतन 5,000 रुपए नगद दिया है। ये तो आप जानते ही हैं कि ये दोनों एंट्रीज पेमेंट वाउचर्स की हैं। इसमें रेंट और सैलरी दोनों ही अकाउंट डेबिट होंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। आइए इनकी भी कंपाउंड एंट्री कर लेते हैं। उसके लिए F5 प्रेस करें, F2 प्रेस करके डेट चेंज करें। डेबिट में हम पहले रेंट पेड सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे। अब एंटर प्रेस करके आगे बढ़ने से पहले हमें इसकी नरेशन डालनी होगी। उसके लिए मोर डिटेल्स पर क्लिक करें, शो मोर पर जाकर एंटर प्रेस करें। लिस्ट ऑफ मोर डिटेल्स में से लेजर नरेशन सेलेक्ट करें। यहां पर रेंट से संबंधित नरेशन टाइप करें। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। यहां क्रेडिट आ रहा है। हम दूसरे अकाउंट को भी डेबिट करना चाहते हैं तो उसके लिए डी प्रेस करके एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही DR आ जाएगा। यहां सैलरी का लेजर सेलेक्ट करें, अमाउंट डालें और पहले बताए तरीके से नरेशन टाइप करें। और आगे बढ़ें। अब यहां पर CR आ रहा है और हमें यही चाहिए। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें, कैश सेलेक्ट करें। देखिए क्रेडिट में टोटल अमाउंट आ रहा है। आप चाहें तो ऊपर दोनों अलग अलग नरेशन डालने की बजाय यहां दोनों की इकट्ठी नरेशन भी डाल सकते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन को सेव कर लेते हैं। अभी हमने लेजर के साथ जो नरेशन डाली है वो कैसी दिखाई पड़ती है, आइए देख लेते हैं। गो टू पर क्लिक करें। अब यहां लेजर वाउचर्स सिलेक्ट करें। यहां से रेंट पेड सिलेक्ट करें। F12 प्रेस करके शो नरेशन को यस करें और विंडो को एक्सेप्ट कर लें। ये देखिए हमने जो नरेशन डाली थी वो यहां दिखाई पड़ रही है। अब देख लेते हैं तीसरा उदाहरण। 31 मई 2021 को व्यापार के स्वामी ने अपने व्यापार में 1,00,000 रुपए नकद लगाए। साथ ही वो ऑफिस में उपयोग के लिए 50,000 रुपए का फर्नीचर भी लाया। ध्यान रखें, व्यापार का स्वामी नकदी या फर्नीचर जो भी व्यापार में लगाता है वो उसकी कैपिटल होती है। आइए अब देखते हैं कि ये ट्रांजेक्शन्स किन वाउचर्स में रिकॉर्ड होना है और क्यों। व्यापार का स्वामी जो नकदी लाया है उसकी एंट्री तो हम रिसीट वाउचर में कर सकते हैं। अब सवाल है, जो फर्नीचर लाया है उसकी एंट्री कौन से वाउचर में होगी। फर्नीचर आया है तो क्या इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि पेमेंट वाउचर में एक लेजर कैश या बैंक का होता है और यहाँ हमने किसी तरह का पेमेंट नहीं किया है। दूसरी बात, क्या इसकी एंट्री परचेज वाउचर में हो सकती है? नहीं, क्योंकि परचेज वाउचर में सिर्फ उन आइटम्स की एंट्री होती है जिनका हम व्यापार करते हैं। हम तो ये फर्नीचर ऑफिस उपयोग के लिए लाए हैं। अब सवाल ये कि इसकी एंट्री कौन से वाउचर में होगी। तो आपको याद होगा हमने बताया था कि जिस एंट्री को हम टैली के किसी वाउचर में नहीं कर पाते हैं वो एंट्री जर्नल वाउचर में होती है। तो अब यहाँ पर ये निश्चित हो गया कि हम कैश की एंट्री रिसीट वाउचर में और फर्नीचर की एंट्री जर्नल वाउचर में कर सकते हैं। पर यदि आप इन दोनों की एंट्री एक साथ करना चाहते हैं तो जर्नल वाउचर में कर सकते हैं। तो F7 प्रेस करके जर्नल वाउचर पर चलते हैं। ये देखिए जर्नल वाउचर ओपन हो गया है। F2 प्रेस करके डेट चेंज करें।
चूंकि कैश और फर्नीचर दोनों बिजनेस में आ रहे हैं, हमें कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट दोनों को डेबिट करना होगा और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। अब यहां हम नरेशन टाइप करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं चौथा उदाहरण। 2 जून 2021 को व्यापार के स्वामी ने अपने पर्सनल यानी निजी उपयोग के लिए 5,000 रुपए कैश और एक सोनी टीवी 20 इंच जिसका खरीद मूल्य 20,000 रुपए है लिए। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब व्यापार के स्वामी अपने निजी खर्च के लिए नकदी या व्यापार की कोई वस्तु जिसका कि वो व्यापार कर रहा हो या फिर कोई असेट्स जैसे कि ऑफिस का पुराना फर्नीचर भी हो सकता है निजी उपयोग के लिए लेते हैं तो उसका अमाउंट ड्रॉइंग अकाउंट में डेबिट किया जाता है और वर्ष के अंत में ड्रॉइंग अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है उसे इकट्ठा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। यानी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके ड्रॉइंग अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ध्यान रखें ड्रॉइंग अकाउंट का लेजर कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत बनाया जाता है। चलिए वापस ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। यदि हम चाहें तो इसके दो ट्रांजेक्शन अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहला, व्यापार के स्वामी ने जो कैश विड्रॉ की है उसके लिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और ये एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। दूसरा, स्वामी ने टीवी लिया है तो इस एंट्री में एक तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा, पर सवाल ये है कि दूसरा अकाउंट कौन सा है जो हमें क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ हम आपको बता दें कि यदि हम जिस वस्तु का व्यापार करते हैं उसको पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो उसको परचेज में से कम करना होता है, यानी कि यहाँ परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। अब इसी ट्रांजेक्शन में दूसरा सवाल उठता है कि ये एंट्री कौन से वाउचर में होगी। हम परचेज अकाउंट तो क्रेडिट करना चाहते हैं पर परचेज वाउचर में सिर्फ आए हुए माल की एंट्री होती है, गए हुए की नहीं। ऐसी स्थिति में इस एंट्री को हमें जर्नल वाउचर में करना होगा। अब यदि आप ये दोनों एंट्रीज अलग अलग करने की बजाय एक साथ करना चाहते हैं तो जर्नल वाउचर में कर सकते हैं और वो एंट्री इस प्रकार होगी। जर्नल वाउचर पहले से ही ओपन है, F2 प्रेस करके डेट चेंज करें। डेबिट में हमें ड्रॉइंग अकाउंट चाहिए जो कि बना हुआ नहीं है, तो हम Alt और C प्रेस करके ड्रॉइंग अकाउंट बना लेते हैं। यह बनेगा कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत। यहाँ डेबिट अमाउंट में हमें दोनों का टोटल अमाउंट डालना होगा। क्रेडिट में पहले सिलेक्ट करेंगे कैश अकाउंट, पर कैश का पहला अक्षर टाइप करने के बाद भी यहाँ कैश अकाउंट नहीं दिख रहा है। उसका कारण है कि प्रायः जर्नल वाउचर में कैश या बैंक अकाउंट का उपयोग नहीं होता है। इसके लिए हमें शो मोर पर जाकर एंटर प्रेस करना होगा। ये देखिए अब कैश अकाउंट दिखाई पड़ रहा है, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ अमाउंट डाल देंगे, एंटर प्रेस करें, यहाँ क्रेडिट ही रहने दें, यहाँ परचेज अकाउंट सिलेक्ट करें। देखिए ऐसा करते ही इन्वेंटरी एलोकेशन स्क्रीन आ रही है, यहाँ नेम ऑफ आइटम में स्पेस बार प्रेस करें। अब हमने जो आइटम अपने निजी उपयोग के लिए लिया है उसका नाम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ उसकी क्वांटिटी डालें। ध्यान रखें जिस रेट से आपने माल खरीदा होगा आपको वही रेट यहाँ पर डालना चाहिए। ये देखिए यहाँ वही रेट आ रहा है जिसमें हमने माल खरीदा था। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें, नरेशन टाइप करें, अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। इस तरह के कई ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिन्हें आप एक साथ इकट्ठा रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की गति को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हमने कंपाउंड एंट्रीज के बारे में बताया। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको सिंगल एंट्री और डबल एंट्री मोड के बारे में बताएंगे।